चलिए, ये सेशन में हमको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर करने हैं, ताकि फिर हम लोग इसके बाद में हमारे ऐसे दो सेशंस बचते हैं। एक सेशन में कंपनी ऑडिट कारो पूरा अच्छे से कर लिया जाए, ठीक है। दूसरे सेशन में बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लिए जाए, ताकि वो चीज़ें भी कवर हो। इवन दोज थिंग्स शुड गेट कवर्ड। तो ये सेशन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम लोग कवर कर ले। तो टारगेट है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कवर करेंगे, उसके बाद ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। जल्दी ख़त्म हो गया तो जल्दी सेशन ख़त्म हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में जानते हैं। ये सैम्पलिंग ही थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद में इतना समय नहीं लगेगा। दो अप्रोचेस होते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। जहां पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, जहां पे सभी यूनिट्स के इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन रहेंगे, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज किया जा रहा है सैंपल साइज निकालने के लिए, सैंपलिंग रिस्क कितनी रह सकती है उसके लिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करके कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं, रिस्क डिटरमाइन की जा रही है, तो वो हमारी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होगी। और अगर ऐसी चीजें आप नहीं कर रहे हो, तो इसके अलावा जो भी सैंपलिंग होगी उसको नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बोला जाएगा। जो भी सैंपलिंग हो, ठीक है, जो भी आप सैंपलिंग करें, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मतलब एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन आप कर रहे हो, कोई भी यूनिट सिलेक्ट हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करके सैंपलिंग साइज, सैंपलिंग रिस्क, ये आप डिटरमाइन कर रहे हो। बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, अच्छे रिजल्ट होते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब जजमेंट बेस्ड चलना, जैसे हमको लगता है वैसे, जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है उसके हिसाब से, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से चीजों को करते रहना, उसको हम लोग नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं। जो भी सैम्पलिंग यूज करो, कोशिश करिए कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन जैसा हो, ताकि सैंपल को चेक करके वैसे ही रिजल्ट्स मिले जैसे पूरे पॉपुलेशन को चेक करके मिलते हैं, ठीक है। सैंपल साइज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हो। इस तरीके से सिलेक्ट करें कि पूरा पॉपुलेशन कवर हो। दो अप्रोचेस देख लिए हमने, सैंपलिंग का मास्टर आंसर, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। फटाफट हम लोग टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है आपका रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग, और उसमें भी सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स है उसकी नंबरिंग कर दो, वन से लेके आखिर तक उसकी पूरी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद में, ठीक है, अब रैंडमली सिलेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल। जैसे लॉग टेबल आता है, वैसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट रैंडम नंबर टेबल आता है, या एक्सेल में रैंडम बिटवीन फंक्शन आता है, ऐप आता है रैंडम नंबर जनरेटर, या सिंपल चिट्स बना करके चिट सिलेक्ट कर लो, उसको हम लोग सिंपल रैंडम सिलेक्शन बोलते हैं। हर यूनिट के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, कोई भी यूनिट सिलेक्ट हो सकता है, एनी यूनिट कैन गेट सिलेक्टेड। बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देता है, कोने कोने से आपको यूनिट्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है, एक जैसी पॉपुलेशन है, तो ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। मतलब एक ही लेवल के बिल चल रहे हैं, जितने बिल है वो सारे के सारे 5 हजार से 25 हजार, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, होमोजीनियस पॉपुलेशन है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगानी चाहिए। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बदलते जा रही है, ठीक है, तो आप इसको स्ट्राटा में बांट सकते हो, इसको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। जब पॉपुलेशन को स्ट्राटास, या मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। आप एरिया वाइज ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सेल्स को आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ उसके हिसाब से स्ट्राटा बना सकते हो।
प्रोडक्ट वाइज स्ट्राटा बना सकते हो, या फिर आपको लगता है मॉनिटरी वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से आप स्ट्राटा बना सकते हो। यहां पे वही एग्जाम्पल है, 1 लाख के ऊपर के बिल एक स्ट्राटा बना लिया, 75,000 से 1 लाख एक स्ट्राटा बना लिया, 25,000 से 75,000 एक स्ट्राटा बना लिया, और 25 के नीचे एक स्ट्राटा बना लिया। मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से स्ट्राटा बना लिए, स्ट्रेटिफाइड। अगर आपको लगता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो आप स्ट्राटा बनाइए। 1 लाख के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चेकिंग आप कर लीजिए, ठीक है। 25 से 1 लाख बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, कम चेकिंग, कम बिल चेक करके ज्यादा कवरेज हो सकता है, 100% चेकिंग आप कर लीजिए, ठीक है। 100% चेकिंग कर लीजिए, ऐसे नंबर ऑफ बिल कम होंगे लेकिन ये बहुत ज्यादा वैल्यू के बिल होंगे। 75 से 1 लाख 25% चेक कर लीजिए, 25 से 75 10% चेक कर लीजिए, 25 के नीचे 2% चेक कर लीजिए। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे वैल्यू अब कम होती जाती है, वैसे वैसे आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, थोड़ी कम वैल्यू है कम इंपॉर्टेंस दिया, और कम है और कम दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चल सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी मेहनत आपको नहीं करनी है तो एक आसान तरीका आपको बताते हैं, आसान तरीका आपको बताते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग का। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इसको इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। सपोज सपोज बोल रहा हूं मैं, 5,000 यूनिट्स है, 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स है, और हमको उसमें से 1,000 सिलेक्ट करना है। 5,000 डिवाइड बाय 1,000 कितना आता है? 5। पॉपुलेशन 5,000 है, पॉपुलेशन 5,000 है, हमको सैंपल चाहिए 1,000 का, इंटरवल 5,000 डिवाइड बाय 1,000, 5 हो गया। 5-5 के इंटरवल में आप सिलेक्शन करते जाइए, बात बन जाएगी। ठीक है, आपने अगर पहले 5 में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 को सिलेक्ट किया, 2, 7, 12, 17, 4 को सिलेक्ट किया, 4, 9, 14, 19, इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग। पहले 5 में से कोई भी सिलेक्ट करिए, अपने आप फटाफट सिलेक्ट होते जाएंगे, दैट इज इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग। अच्छी सैंपलिंग होती है, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको पता चल, कोशिश करना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन पॉपुलेशन की साइकिल और सिलेक्शन की साइकिल मैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक जैसे बिल सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब सपोज मैं बता रहा हूं, सपोज कंपनी की 5 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टी, और हर महीने 5 ही बिल लगते हैं, प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई, बस 5 बिल लगते हैं वही सीक्वेंस में, पहले महीने में 5 बिल, दूसरे महीने में 5 बिल, तीसरे चौथे पे, तो पॉपुलेशन 5-5 में बदल रही है। अगर आपने इंटरवल 5 का लगाया, इंटरवल 5 का लगाया, तो क्या होगा? अगर आपने ए प्रॉपर्टी सिलेक्ट की तो 5वें नंबर पे फिर से ए आएगा, अगले 5 में फिर से ए आएगा, सिर्फ ए सिलेक्ट हो जाएगा। इससे ध्यान रखना चाहिए कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन और पैटर्न ऑफ सिलेक्शन दोनों मैच ना हो। फिर उसके बाद में इन सब में एक ड्रॉबैक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसमें प्रॉब्लम था तो हेटरोजेनस हम लोग रैंडम सैम्पलिंग पे आ गए, काम आसान करना था हम लोग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आ गए। इन सब में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? हम लोग हर बिल को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर बिल को एक यूनिट सिलेक्ट कर रहे हैं, हर बिल को एक यूनिट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर बिल की वैल्यू अलग अलग है। आप सभी बिल को एक जैसा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक जैसा इंपॉर्टेंस देके सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हर बिल की वैल्यू अलग है, इसलिए मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग है। इसको आगे हम देखेंगे, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग है। हाँ, अभी हमने जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग देखी उसमें कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, लेकिन बाकी सब में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हर बिल को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं जबकि हर बिल के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करना, MUS मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, मॉनिटरी वैल्यू जो है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। फिर आखिरी के दो है,
हम लोग मल्टीयूनिट सैंपलिंग को देखेंगे आगे। आखिरी के दो है, हैपेजर्ड सिलेक्शन और ब्लॉक सिलेक्शन। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई मेथड नहीं। नो लॉजिक, नो पैटर्न, नो मेथड, नो प्रिंसिपल, नथिंग। बस हाथ घुमाया, खटाखट 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 सिलेक्ट कर ली, कुछ सोया समझा कुछ नहीं। उसको हैपहैजर्ड सिलेक्शन बोलते हैं, उसको नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आता है। ब्लॉक सिलेक्शन, सिलेक्ट करते वक्त एक यूनिट सिलेक्ट नहीं करना, एक साथ कॉन्जिक्यूटिव 50 यूनिट सिलेक्ट करना, एक साथ जुड़े हुए 50। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 50, 50, 60, 70, 100, 80, 100, 200, ऐसे सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं ब्लॉक सिलेक्शन। जब एक यूनिट सिलेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स का ब्लॉक सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज ब्लॉक सिलेक्शन, उसको हम लोग ब्लॉक सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा होता है। जैसे डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन बुक हुए, क्या ब्लॉक सिलेक्शन से उसको पकड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत कहीं से भी, सपोज 30 का मैंने ब्लॉक बनाया, 200 से 230, 470 से 500, करेक्ट, 910 से 940, ऐसे कहीं से भी शुरुआत हो सकती है इसकी। इसलिए इसको भी जजमेंट बेस्ड सैंपलिंग, नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में कवर किया गया, क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ओके, 530.13 यहां पे लिखा है, कवर्ड इन 530.11। प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल होता है प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। सैंपल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, उसमें गलतियां मिलती। सैंपल में इतनी गलतियां तो पॉपुलेशन में कितनी गलतियां? सैंपल में अगर इतनी गलतियां है, सैंपल में इतनी गलतियां है तो पॉपुलेशन में कितनी गलती होगी? ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन दोनों में होता है। देखो, सैंपलिंग दोनों में होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। प्रोजेक्ट तो दोनों के अंदर प्रोजेक्शन हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जो गलती होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल गलती मतलब 50 में से 5 बार साइन नहीं हुई, 10 टाइम्स साइन नहीं हुई। 50 वाउचर थे, 50 वाउचर में 5 बार साइन नहीं हुई, 5 बार कंट्रोल को फॉलो नहीं किया गया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया, 5 बार डेविएशन है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो गलती होती है डेविएशन, वो नंबर ऑफ टाइम्स में होती है, परसेंटेज में होती है, 10% रेट में होती है गलती। ठीक है, जनरली जनरली जो सैंपल में रेट ऑफ डेविएशन मिलता है, 10% रेट ऑफ डेविएशन, वही रेट ऑफ डेविएशन पॉपुलेशन का भी होता है। कोई कैलकुलेशन, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सैंपल में अगर 10% टाइम साइन नहीं की गई, मतलब पॉपुलेशन में भी 10% टाइम साइन नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स की जो गलती होती है वो मॉनिटरी अमाउंट्स में होती है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स की, टेस्ट ऑफ डिटेल्स की जो गलती होती है वो मॉनिटरी अमाउंट में होती है। वो गलती आपकी मॉनिटरी अमाउंट में रहती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स की गलती, करेक्ट, दैट इज इन मॉनिटरी अमाउंट। नाउ अब वो मॉनिटरी अमाउंट की है। सैंपल में अगर 5,000 रुपए की गलती दिख रही, तो पॉपुलेशन में कितना? यहां पे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में रेट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते। जो रेट ऑफ डेविएशन का सैंपल का होता है, वही रेट ऑफ डेविएशन पॉपुलेशन का हो जाता है। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में, टेस्ट ऑफ डिटेल में हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। 5,000 रुपए की गलती है 5 लाख के पॉपुलेशन में, तो 5 लाख के सैंपल साइज, सैंपल वैल्यू में 5,000 रुपए की गलती है 5 लाख रुपए के सैंपल में, तो 5 करोड़ के पॉपुलेशन में डिस्काउंट की कितनी गलती होगी? ये कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात आपको समझ में? तो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। खास बात, कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग एनोमली को छोड़ देते हैं, एनोमली को छोड़ देते हम लोग एनोमली एनोमली को हम लोग छोड़ देते हैं।
वी लिव एनोमली। एनोमली क्या होती है? एनोमली मतलब ऐसी गलतियां, ऐसे मिसस्टेटमेंट्स। एनोमली मतलब ऐसे मिसस्टेटमेंट्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू, विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, उसको हम लोग एनोमली बोलते हैं, ऐसी गलती जो बार बार रिपीट नहीं होने वाली। ठीक है, कंपनी में इमरजेंसी में, ठीक है, एक बंदे को हार्ट अटैक आया था, तो उसके बदले में एक दूसरे बंदे को अपॉइंट किया कि भाई तू 1 महीना काम कर। वो टेम्परेरी स्टाफ था, ट्रेंड नहीं था अच्छे से, उसको कंपनी के तौर तरीके नहीं मालूम थे। उसके हाथ से उस 3 महीने में काफी सारी गलतियां हुई। लेकिन ऐसा साल भर में कंपनी में सिर्फ एक ही जगह पे हुआ, एक ही बार। ठीक है, वो गलतियों को बेस लेकर हम पूरे साल भर की गलतियां प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ वो 3 महीने की वो गलतियां है और जेन्युइन रीजन है, तो उसको एनोमली बोलेंगे। ऐसी गलतियां विच इज नॉट एक्सपेक्टेड रिपीट अगेन अगेन, जिसके बेसिस पे हम प्रोजेक्शंस नहीं कर पाएंगे पूरे पॉपुलेशन का, एनोमली को अलग रखते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते वक्त कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते जो सैंपल का वो पॉपुलेशन का, टेस्ट ऑफ डिटेल करते वक्त आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करते वक्त एनोमली को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। देन इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, ये टेक्निकल है, आखिरी के दो है, ये टेक्निकल है। इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, देखो वहां पे हम लोगों ने रेफर एक्स्ट्रा नोट्स, इसका चार्ट मैंने बनाकर दिया है। फाइव इवैल्यूएटिंग सैंपल रिजल्ट्स, ध्यान देंगे। ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, देखिए इसके ऊपर वो हमारा प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट्स और प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, ठीक है, वो प्रोजेक्टेड है। देखिए एक होता है एक्सपेक्टेड लेवल्स बोलते हैं हम, एक बोल के चलते से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेशन है, हिस्टोरिकल डेटा को देखकर, प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर, टेस्ट करने के पहले तक हमको ऐसा लगता था कि ज्यादा से ज्यादा 10% गलतियां हो सकती है। एक्सपेक्टेड जो चीजें है ज्यादा से ज्यादा 10% हो सकती है, ऐसा हमको लगता था। टॉलरेबल लिमिट्स, ठीक है, कि कितने टॉलरेबल मतलब एक्सेप्टेबल, ये लिमिट तक भी गलतियां गई तो हम लोग मान लेंगे सब कुछ सही है, कंट्रोल इफेक्टिव है। एक्सेप्टेबल लिमिट इज सपोज 30%, ठीक है, 30% है। अब हम लोग देखते हैं सैंपलिंग करके जो हमने रेट ऑफ डेविएशन निकाला वो कितना आ रहा है। सपोज वो रेट ऑफ डेविएशन आ रहा है 5%। सपोज सिचुएशन नंबर 1, इट इज कमिंग एट 5%। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, हम तो 10% का सोच रहे थे, सिर्फ 5% गलतियां निकली। हम 10% गलती का सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 5% गलती निकली। दिल खुश हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, पूरे कॉन्फिडेंस से हम ये बोल रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना मतलब रीजनेबल बेसिस से बोलना, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कंट्रोल्स इफेक्टिव है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि उम्मीदों से भी कम गलतियों का रेट निकला है। अगर ये गलतियों का रेट निकलता 40%, अरे रे, 30% था एक्सेप्टेबल, ठीक है, आपका निकला 40%, टॉलरेबल लिमिट से भी ज्यादा है।
टॉलरेबल लिमिट से भी ज्यादा है, जो टॉलरेबल एक्सेप्टेबल लिमिट थी उससे भी ज्यादा है, पूरे कॉन्फिडेंस है, रीजनेबल बेसिस पे बोल रहे हैं, कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव है सर। जब 5% था पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, अब बोल रहे इनइफेक्टिव, कुछ काम के नहीं है कंट्रोल्स, ठीक है, आर नॉट रिलायबल एट ऑल, कंट्रोल्स बिल्कुल रिलायबल नहीं है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं पूरे, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है। 5% में भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे कंट्रोल्स आर रिलायबल, 40% बोले पूरे कॉन्फिडेंस से कंट्रोल्स आर नॉट रिलायबल। लेकिन मजा कब आती, जब डाउटफुल जोन, अगर सपोज ये 20% हो गया, ये डाउटफुल जोन है, ठीक है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन 10% की थी, उससे ज्यादा है और टॉलरेबल लिमिट से कम है, कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है, कुछ तो गलत है, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गलतियां दिख रही है। माना टॉलरेबल से कम है लेकिन एक्सपेक्टेशन तो क्रॉस हो गया, ये डाउटफुल जोन है। इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि सैम्पलिंग हमको रीजनेबल बेसिस नहीं दे रहा, कॉन्फिडेंट रिजल्ट्स नहीं दे रहा, इसलिए हम लोगों ने मैनेजमेंट से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, एक्सपेक्टेशन क्रॉस क्यों हुई, ऐसी चीजें क्यों है, मैनेजमेंट से डिस्कशन करना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों ने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहिए, फिर से हम लोगों ने सैम्पलिंग करनी चाहिए, फिर से मेहनत करनी चाहिए, फिर से सैंपल साइज सिलेक्ट करना चाहिए, फिर चेकिंग करेंगे, फिर वापस प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, और इस बार हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि या तो एकदम कम हो या तो एकदम ज्यादा हो, ताकि कॉन्फिडेंस से बोल सके, ठीक है, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो डाउटफुल जोन में, डाउटफुल जोन में अगर आता है, डाउटफुल जोन में अगर चीजें आती है तो हम लोग कॉन्जर्वेटिव सोच के चलते हैं, हम लोग मान लेते चीजें गलत है, जब तक इंक्वायरी करके एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके हमको कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं मिल जाता, अपोजिट एविडेंस नहीं मिल जाता, तब तक हम मान के चलेंगे कि चीजें गलत है। ये नो कट कर देंगे, मान के चलेंगे चीजें गलत है ऐसा हम, तो डाउटफुल जोन इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, रिजल्ट्स को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ये मैंने रेट ऑफ डेविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, सेम चीज आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है, आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। सपोज 10 लाख की गलती एक्सपेक्टेड थी, टॉलरेबल लिमिट, टॉलरेबल लिमिट 30 लाख की थी, ठीक है, और जो गलती हमको मिल रही है, सपोज 5 लाख की गलती मिली, 5 लाख की गलती मिली, उम्मीदों से कम, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते वक्त पॉपुलेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर गलती मिली 40 लाख का प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिला, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे पॉपुलेशन इज हैविंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उम्मीद, टॉलरेबल लिमिट से भी ज्यादा गलतियां निकली। अगर 20 लाख आया तो हम कंफ्यूज कैटेगरी में हैं, ठीक है, कंफ्यूज कैटेगरी में, स्टैंडर्ड बोलता है जब तक आपको एडिशनल एविडेंस ना मिल जाए मान लेंगे देर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, फिर से ऑडिट प्रोसीजर प्लान करेंगे, बड़ा सैंपल साइज सिलेक्ट करेंगे, फिर से चेक करेंगे, जब तक हमको कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं मिलता तब तक मान लेंगे देर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। एक तरफा रिजल्ट हो तो हमारे पास रीजनेबल बेसिस होता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते चीज सही है या गलत है, बीच में आता है तो रीजनेबल बेसिस नहीं होता। और ये आखिरी केस, ठीक है, स्पेशल केस में एक काम करिए, आपने प्रोजेक्शन करते वक्त, आपने प्रोजेक्शन करते वक्त एनोमली को छोड़ दिया था, क्योंकि एनोमली बार बार रिपीट नहीं होने वाली, लेकिन मानो या ना मानो गलती तो है, वो इट इज अ मिसस्टेटमेंट, मानो या ना मानो गलती तो है, इट इज अ मिसस्टेटमेंट। एक काम करो, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट और एनोमलस मिसस्टेटमेंट को जोड़ दो, अगर दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद, अगर दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद अगर वो टॉलरेबल लिमिट के बहुत नजदीक चला गया या उसको क्रॉस कर दिया, तो वापस हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, अरे यार एनोमली को जोड़ने के बाद ये बहुत क्लोज चला गया, क्रॉस कर लिया, ठीक है, अब हम
फिर से ठीक है, इसका मतलब ऐसे तो सब सही लग रहा था, ऐसे तो सब सही लग रहा था, लेकिन एनोमलस मिसस्टेटमेंट को जोड़ने के बाद इट इज टॉलरेबल लिमिट तक पहुंच चुका है, उसको क्रॉस कर चुका है। फिर हमारे मन में डाउट आ गया, फिर हम ऐसा मानेंगे कि सैम्पलिंग हमको रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हमने रीचेकिंग करके वापस देखना चाहिए। तो अगर क्लोज चला गया तो वापस हम लोग रीचेकिंग करेंगे। टेक्निकल था, आप इसको वापस पीछे जाके बार बार सुन सकते हैं। आखिरी चीज, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड वैल्यूएटेड सिलेक्शन। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और वैल्यूएटेड सिलेक्शन। ठीक है, अब ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड वैल्यू वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ठीक है, ध्यान देंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। स्ट्रैटा में बांटना, पॉपुलेशन अगर हेट्रोजेनस है, बदलती है बार बार, तो हम लोगों ने इसको स्ट्रैटा में बांटना चाहिए। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने स्ट्रेटिफिकेशन करना चाहिए, स्ट्रेटा बनाने चाहिए। इससे क्या होगा, हर कैटेगरी की चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, हर कैटेगरी की चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, हमारे मन में कम डर रहेगा, सैंपल साइज कम रखना पड़ेगा हमको, कम सैंपल साइज में हम पूरा सिलेक्शन कर लेंगे, अच्छी चेकिंग कर पाएंगे, अच्छी चेकिंग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, वैल्यू वाइज हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, वैल्यू वाइज कैटेगरी में बांट सकते हैं। हाइयर वैल्यू को ज्यादा चेक करो, कम में ज्यादा चेकिंग हो जाएगी। जैसे हम अभी देख कर आए थे, 1 लाख के ऊपर 100% चेकिंग, 75 से 1 लाख के अंदर ठीक है 25% चेकिंग, फिर 10%, फिर 2%, ऐसा आप करिए, बहुत बढ़िया चेकिंग हो जाएगी। आप रिस्क वैल्यू के हिसाब से भी स्ट्राटा बना सकते हो, आप रिस्क के हिसाब से एजिंग करिए, डेटर्स की एजिंग, डेटर्स जितने पुराने हैं उतने ज्यादा रिस्की होते जाते हैं, ज्यादा रिस्क में ज्यादा सिलेक्शन, कम रिस्क में कम सिलेक्शन, ऐसा आप कर सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन बेहतरीन होता है, हर स्ट्रेटा में सिलेक्शन करना पड़ता है, हर स्ट्रेटा का प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकालना पड़ता है। सपोज हमने चीजों को 4 स्ट्रेटा में बांटा, 1 लाख के ऊपर 25 से 75, ठीक है, 1 लाख के ऊपर 1 लाख जो हम अभी बना के आए थे, 1 लाख के ऊपर 75 से 1 लाख, ठीक है, 25 से 75 और 25 के नीचे, ऐसे हम 4 स्ट्रेटा अभी देख कर आए थे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, 4 स्ट्रेटा। हर स्ट्रेटा में 4 स्ट्रेटा है, हर स्ट्रेटा में जाइए सैम्पलिंग करिए, रैंडम सैम्पलिंग करिए, हर स्ट्रेटा के अंदर निकालिए कितनी गलती निकल रही है, प्रोजेक्ट करिए, सैंपल में इतना तो पॉपुलेशन में कितना प्रोजेक्टेड, हर स्ट्रेटा के लिए प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकालिए, सबको जोड़िए, तो पूरे पॉपुलेशन का आपको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिलेगा। फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, तो अभी मैंने स्ट्रेटिफाइड का आपको मतलब बताया, बहुत बेहतरीन अच्छा है तरीका है, वैल्यू वाइज चलिए, एजिंग वाइज चलिए, और एक एक पहले स्ट्रेटा को देखते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, सबको जोड़कर पॉपुलेशन का प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमको मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, अगला है साहब, ठीक है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ठीक है, अब ये क्या फंडा है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, इसी का मतलब है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। जब मॉनिटरी अमाउंट को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, मॉनिटरी अमाउंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग बोलते हैं, या फिर उसको वैल्यू वेटेड सिलेक्शन बोलते हैं। हर बिल का अमाउंट अलग अलग है, ठीक है, हम उसको सेम इंपॉर्टेंस दे रहे, गलत अप्रोच है, हमने वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जब हम वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं उसको मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, डॉलर यूनिट सैम्पलिंग, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहां पे डेटर का एग्जाम्पल है, वैसे अब मैं सेल्स का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो भी बहुत बढ़िया। देखिए एग्जाम्पल है, कैसे हम लोग वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में, हम लोग वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कैसे होता है, वैल्यू को इंपॉर्टेंस कैसे देते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए टोटल सेल्स 20 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के सेल्स है, मैं नंबर ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी रुपीस की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ बिल की मैंने बात नहीं की, रुपीस की बात की।
20 लाख रुपए की बिल है, मैंने सोचा 20 लाख रुपए की सेल है, मैंने सोचा कि पांच मैंने सिलेक्ट, एग्जाम्पल सिंपल रखने के लिए पांच सिलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है पांच। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था हम लोग इंटरवल निकालते हैं, 5,000 यूनिट सिलेक्ट करने, 1,000 का सैंपल साइज है, तो 5,000 डिवाइड बाय 1,000, पांच का इंटरवल आया था अभी थोड़ी देर पहले, इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग सिस्टमेटिक सिलेक्शन आपको बताया था वैसे ही, 20 लाख रुपए का सेल है, पांच मेरे को सिलेक्शन करने हैं, इंटरवल पहले नंबर ऑफ बिल्स में निकल रहे थे, यहां पे इंटरवल रुपीज में निकल रहे, दो बिल के बीच में मॉनिटरी इंटरवल कितना होना चाहिए, 20 लाख डिवाइड बाय 5, 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का डिफरेंस होना चाहिए, पहले इंटरवल नंबर ऑफ बिल्स में दिख रहा था पांच बिल, अब आपको इंटरवल रुपीज में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। जब हम मॉनिटरी अमाउंट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक एक मॉनिटरी एक एक रुपए को एक एक यूनिट मानते हैं, ठीक है, तो उसमें इंटरवल आपका रुपीज में निकलता है। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट, पहला स्टार्टिंग पॉइंट 1 लाख से 4 लाख, 1 लाख से 4 लाख में कहीं पर भी हो सकता है, इसके पहले भी देखा था हमने इंटरवल बेस्ड सिलेक्शन में, 1 से 5 कहीं से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, तो 1 से 4 लाख के बीच में कहीं से भी शुरुआत, से 620 हमारा रहा, तो 620 पहला सिलेक्शन, अगला ठीक है आपका जो इंटरवल निकला 4 लाख का, 4 लाख 620, अगला 8 लाख 620, अगला 12 लाख 620, अगला 16 लाख 620। अब जिस बिल में 620 आएगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बिल में 4 लाख 620 आएगा सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बिल में 12 लाख 620 आएगा सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बिल में 16 लाख 620 आएगा सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको, क्यूमुलेटिव टोटल निकालो, क्यूमुलेटिव टोटल ये आपके बिल नंबर है, ये बिल अमाउंट है, क्यूमुलेटिव इनका टोटल निकालो ऐड कर करके, ठीक है क्यूमुलेटिव टोटल्स, पहले बिल में अगला बिल ऐड किया, क्यूमुलेटिव टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल लगाने से, क्यूमुलेटिव टोटल लगाने से क्या होगा, ठीक है आपकी एक पूरी रेंज बन जाएगी, ठीक है रेंज बन जाएगी 0 से लेके पूरा 20 लाख तक आपकी पूरी रेंज बन जाएगी, क्यूमुलेटिव टोटल निकालो। ठीक है देखिए वैल्यूएटेड सिलेक्शन ये जो लगाने के लिए क्यूमुलेटिव टोटल निकालना जरूरी होगा। अब आप देखिए क्यूमुलेटिव टोटल आपने निकाल ली, आप देखिए 620 किस में आएगा, 0 से 50,000 का जो गैप है, 0 से 50,000 का जो गैप है, ठीक है इसमें कवर हो जाएगा 620, इसमें कवर हो जाएगा, तो आप पहला बिल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फिर 4 लाख 620, 3.5 लाख से 4.5 लाख का बीच में का जो गैप है इसमें कवर होगा, आप ये सिलेक्शन कर लीजिए तीसरे नंबर का बिल, फिर 8 लाख 620, 8 लाख से 8.75 के गैप में सिलेक्ट होगा ये सिलेक्ट कर लीजिए, फिर 12 लाख 620 ये गैप में सिलेक्ट होगा, 11 नंबर सिलेक्ट, फिर 16 लाख 620 इस गैप में सिलेक्ट होगा ये सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल है, हम लोगों ने पॉपुलेशन को रुपीज में रखा, इंटरवल को रुपीज में निकाला, ठीक है अब रुपीज में निकाला, हमने जो सिलेक्शन भी है वो रुपीज में किए, जिस बिल में 620 रुपए आएंगे, जिस बिल में 4 लाख 620 आएंगे, जिस बिल में 8 लाख 620 आएंगे, जिसमें 12 लाख 620 आएंगे, जिसमें 16 लाख 620 आएंगे, वो बिल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जो बिल जितना बड़ा रहेगा, जो बिल वैल्यू वाइज जितना बड़ा रहेगा उसका इंटरवल, ये जो मैंने मार्क किए ब्रैकेट्स लगाए ये इंटरवल है, वो इंटरवल बड़े हो जाएंगे। अगर 5 लाख का बिल है तो उसका 5 लाख का इंटरवल होगा, 10 लाख का बिल है 10 लाख का इंटरवल, 20 लाख का बिल है 20 लाख का इंटरवल। बिल जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उसके इंटरवल बढ़ते जाएंगे, इंटरवल बढ़ते जाएंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, ऐसा करने से जिस बिल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका इंटरवल ज्यादा बड़ा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो टेक्निक है ये बिल के वैल्यू को इंपॉर्टेंस दे रही है, इट इज कॉल्ड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ये एग्जाम्पल फिर से सुनिएगा आप, ठीक है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। और फिर आपको ये थ्योरी समझ में आएगी।
कि जितना ज्यादा बड़ा बिल होगा उतने ज्यादा उसके सिलेक्शन के तरीके होंगे। अभी मैंने वैल्यूएटेड सिलेक्शन को सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के साथ मिक्स करके बताया, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यूएटेड सिलेक्शन को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के साथ भी मिक्स करके बताया। तो वैल्यूएटेड सिलेक्शन मॉनिटरिड सैम्पलिंग किसी एक तरीके के साथ मिक्स करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके सामने दो एग्जाम्पल तो है, स्ट्रेटिफाइड के साथ मिक्स करके उसको लगाया, और यहां पे इंटरवल बेस्ड सैम्पलिंग के साथ मिक्स करके बताया। इंटरवल बेस्ड सैम्पलिंग में पहले नंबर ऑफ बिल में आपका ये होता था, आपका इंटरवल होता था, ये रुपीज में आपका इंटरवल है। आई होप आपको समझ में आए, जितना समझ में आए उतना काफी है, ज्यादा आप उस पर दिमाग मत लगाइए। क्विकली, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैम्पलिंग कितना भरोसा करना चाहिए। गए हम लोग, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ चेक नहीं कर सकते, सब कुछ चेक नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सैम्पलिंग पे भरोसा करना चाहिए। जबरदस्त सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आप सैम्पलिंग पे विश्वास कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स रिलायबल है, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आप सैम्पलिंग पे विश्वास कर सकते हैं। टॉलरेबल एरर रेंज, टॉलरेबल लिमिट बहुत ज्यादा है, मटेरियल लिमिट बहुत ज्यादा है, चिंता मत करिए, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सैम्पलिंग पे आप भरोसा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ये छोटा सा ये प्राइवेट ग्रुप है, ज्यादा लोग इसमें नहीं, कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, वी कैन रिलैक्स, हम लोग सैम्पलिंग पे भरोसा कर सकते हैं। साइज बड़ी है, सैम्पलिंग करो, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, सैम्पलिंग करो, ठीक है। रिकॉर्ड रिलायबल है, सैम्पलिंग पे भरोसा करो, टॉलरेबल रेंज ज्यादा है, सैम्पलिंग करो, ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं, सैम्पलिंग हम लोगों ने करना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। नाउ ये बता रहे हैं कि कैसे चीजें बदल रही है। सैम्पलिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में देखिए कोई भी, वो समझा रहे, कोई भी एक्टिविटी करो खर्चे का और टाइम का हिसाब तो लगाना ही पड़ता है, कोई भी काम करो, ऑडिट में भी, इसको वो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस बोलते हैं कि भैया आपको सोचना ही पड़ेगा टाइम और खर्चे का। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच में था, ट्रेडिशनल अप्रोच वाले लोग बोलते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच में व्हाट यूज टू हैपन इन ट्रेडिशनल अप्रोच, देखो इसको पॉइंट नंबर वन बोलो, इसको पॉइंट नंबर टू बोलो। रूटीन चेकिंग होती थी, उसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, ठीक है, सारे वाउचर्स चेक करने की कोशिश करना, मेजोरिटी वाउचर्स चेक करने की कोशिश कर, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में है सब, ठीक है। एक काम करिए, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में रूटीन चेकिंग होती थी, रूटीन चेकिंग मतलब जितने सारे के सारे वाउचर चेक करना, सारी प्राइमरी एंट्रीज चेक करना, सारी पोस्टिंग चेक करना, सब कुछ चेक कर देना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करता था। ट्रेडिशनल अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच में रूटीन चेकिंग लगती थी, और इसमें या तो 100% चेकिंग या तो बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग करनी पड़ती थी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। लेकिन कब तक इतना खर्चा, हर जगह आपको टाइम के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, टाइम के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये, ठीक है, बहुत ज्यादा तब तो आपको टाइम के बारे में इकोनॉमीज के बारे में तो सोचना पड़ेगा, कैसे आप, ठीक है, इसी बोले अब फिर तो क्या करना अब। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बहुत अच्छे मान लगे मैनेजमेंट, और अच्छे सिस्टम मान लगे, तो हमने बोला कि चलो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते, उसके ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते, ये 100% चेकिंग करने से एक कॉम्बिनेशन यूज करते, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल से पूरा विश्वास हो गया तो सैम्पलिंग कर लेंगे। पहले 100% चेकिंग का अप्रोच हुआ करता था, सब कुछ चेक करने का अप्रोच हुआ करता था, वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। व्हाट इज द न्यू अप्रोच, न्यू अप्रोच इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लस सैम्पलिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, सिस्टम्स पे विश्वास लाओ, प्लस सैम्पलिंग करो, ये नया अप्रोच है, ये नया अप्रोच है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि कैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच से नए अप्रोच की तरफ मूव कर रहे हैं। 5:30 मैंने बोला आप लोगों को, बड़ा था। नाउ 5:50 रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ऑडिटर की जिम्मेवारी क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, पहले आपको बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी का क्या आता है, पहला पॉइंट,
AS18 और INDAS 24। AS18 है, अकाउंटिंग सनड 18 है, अकाउंटिंग सनड 18 है और INDAS 24 है। इन्होंने बोला है कि आपने रिलेटेड पार्टी के डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में देने चाहिए। रिलेटेड पार्टी के नाम, उनके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है पहले वो बताइए, फिर रिलेटेड पार्टी के साथ आपके जो भी ट्रांजैक्शन, उसकी समरी दीजिए कि आप कितना माल खरीद रहे हैं आपके सब्सिडरीज से, कितना माल खरीद रहे हैं एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर से, कितना खरीदा बेच रहे करें, उसका ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस की समरी बताइए, मेजर ट्रांजैक्शंस बताइए। तो सबसे पहले अकाउंट्स में क्या दिया है, पहले ऑडिटर को यह समझना चाहिए, सबसे पहले अकाउंट्स में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, AS18, INDAS 24, नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्ड डिस्क्लोजर देने के बारे में बात करते हैं, ऑडिटर को वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ऑडिटर ने जाके इंफॉर्मेशन, पूरे ग्रुप की जानकारी लेनी चाहिए। ग्रुप कितना बड़ा है, कितनी सब्सिडरीज है, कितने ज्वाइंट वेंचर, कितने एसोसिएट्स है, कितने ज्वाइंट वेंचर, उसकी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा ग्रुप है, कितने तरह की रिलेटेड पार्टीज है, क्या रिलेशनशिप है, वो समझना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सोचना चाहिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज रिस्क। अगर बहुत सारे लोग हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो जाता है। अगर ऐसा लगता है जानबूझ के इंटेंशनली इतनी कंपनीज को बनाया गया है बेवकूफ बनाने के लिए, कंपनी लॉ को तोड़ने के लिए, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है। तो अकाउंट्स का नॉलेज, पहले अकाउंट्स क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में ठीक है जाकर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी में कितनी पार्टीज है, कितने कॉम्प्लिकेशंस है, रिस्क कैसी है, रिस्क ऑफ फ्रॉड कैसा है। फिर जाके ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करनी चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना चाहिए, रिलेटेड पार्टी को चेक करने के लिए अच्छे से इनडेप्थ चेकिंग करनी चाहिए और कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। क्या रिलेटेड पार्टीज का जो डिस्क्लोजर है वो ट्रू एंड फेयर है, क्या वो जो डिस्क्लोजर दिया है नोट्स टू अकाउंट में, क्या वो सच्चा है, अच्छा है, रिलायबल है, सही तरीके से दिया है एज पर AS18, INDAS 24। ये ऑडिटर का काम है, ये तीन चीजें ऑडिटर काम है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका, अकाउंटिंग एंड INDAS, रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या बोलते हैं डिस्क्लोजर, वो जाके समझना, रिस्क असेसमेंट करना, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना और कंक्लूजन ड्रॉ करना। लेकिन प्रॉब्लम्स है, ऑडिट के अंदर ही प्रॉब्लम्स हम जानते हैं, इनरेंट लिमिटेशन हम पढ़ के ऐसे 200 में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन्स होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, टाइम और कॉस्ट का प्रॉब्लम्स है, इनरेंट लिमिटेशंस है, ठीक है, इनरेंट लिमिटेशन है। ये इनरेंट लिमिटेशंस की वजह से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को चेक करना और भी मुश्किल हो गया। हमारे पास में लिमिटेड पावर्स है, वी हैव लिमिटेड पावर्स, और ये लिमिटेड पावर्स में चीजों को चेक करना और मुश्किल हो गया, और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, ठीक, इससे ये और ज्यादा मुश्किल है। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी 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 ऐसा हो सकता है, समटाइम्स दिस में हैपन कि हमारे मैनेजमेंट को ही रिलेटेड पार्टी के बारे में पता नहीं था, हमारे मैनेजमेंट को ही इनरेंट प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट को ही, हमारे मैनेजमेंट को रिलेटेड पार्टी के बारे में पता ही नहीं था, दे वे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिलेटेड पार्टीज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर कोल्यूजन हो सकता है, कंसीलमेंट हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कोल्यूजन, जानबूझ के प्रॉफिट्स मिलकर प्रॉफिट्स को दुबई में ट्रांसफर कर रहे ताकि टैक्स कम लगे, ऐसा हो सकता है, कोल्यूजन मिले जुले हैं। कंसीलमेंट, स्टॉक की चोरी हो गई कैसे छुपाएंगे, ऐसा बोल दो सब्सिडरी को बेच दिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यूज कर सकते कंसीलमेंट के लिए या मैनिपुलेशन। ठीक है, अपन ने लोन दिया, लोन टू रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी को लोन दिया और उसको बोला कि तू ये पैसे से हमारे गुड्स खरीद ले, वाह बेटा, लोन देकर खुद के सेल्स बूस्ट कर रहे, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम्स है साहब, प्रॉब्लम्स है। एक तो ऑडिट में इनरेंट लिमिटेशंस है, वो इनरेंट लिमिटेशन की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, हो सकता है मैनेजमेंट को ही पता नहीं रिलेटेड पार्टी कौन सी है, या फिर हो सकता है कोल्यूजन, हो सकता है जाने अनजाने में उनको ही नहीं पता, जेन्युइनली उनको नहीं पता उनके सब्सिडरीज ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उसकी वजह से रिलेटेड पार्टी छूट रहा है। हो सकता है जानबूझकर कोल्यूजन कर रहे हैं, जानबूझ के कंसीलमेंट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, अलर्ट रहो, सोल्यूशन है ना इसका, अलर्ट रहो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाओ, अलर्टनेस दिखाओ,
अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाओगे, अलर्टनेस अगर आप दिखाओगे, ठीक है, और आप ब्लाइंड रिलायंस नहीं करोगे, क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर आप, ठीक है, ब्लाइंड रिलायंस नहीं करोगे, ब्लाइंड रिलायंस किसी चीज पे ब्लाइंडली रिलाय नहीं कर, अलर्ट रहोगे, ब्लाइंड रिलायंस नहीं करोगे, हर चीज को अच्छे से चेक करोगे, तो फिर आप रिलेटेड पार्टी की गलतियों को पकड़ पाएंगे। और ऐसे कैसे करना, ऐसे 550 में दिया, तो पहले आपको समझाना पड़ेगा आपकी जिम्मेदारी में। पहले एएस इंडियस क्या बोलते हो समझ लो बेटा, समझने के बाद में रिस्क असेसमेंट कर लो बेटा, करने के बाद में चेकिंग करो, कंक्लूजन ड्रॉ करो, रिलेटेड पार्टी ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, प्रॉब्लम आएंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है रेड पार्टी में, हो सकता है मैनेजमेंट को ही नहीं पता चीजें, हो सकता है सब पता है, जानबूझ के कोल्यूजन कर रहे हैं, कंसीलमेंट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हमने क्या करना, प्रोफेशनल अलर्टनेस बढ़ाना, ब्लाइंड रिलायंस नहीं करना, अच्छे से छानबीन करना, ऐसे 550 लगाना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देन रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन है आउटसाइड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है सब। नाउ एक तो रिलेटेड पार्टी और उसके साथ में अजीब गरीब ट्रांजैक्शन, जैसे क्या यहां पे एग्जांपल लिया है, हमारे जितने भी एक्सपोर्ट 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 है, ठीक है, 90% एक्सपोर्ट हमने हमारी सब्सिडरीज को किया, 90 क्या 100%, अजीब है, 100% एक्सपोर्ट हमने हमारी सब्सिडरी को किया है दुबई और मॉरिशियस में, और वो ऐसा बोल रहा है कि वो वहां से, मैनेजमेंट हमको बोल रहा है वो वहां से एक्सपोर्ट करते, अच्छा अजीब है। एक तो रिलेटेड पार्टी के साथ में इतना मेजर ट्रांजैक्शन है, पूरा 100% माल सब्सिडरी को बेच रहे, वो भी अजीब है, वो भी अजीब है, ठीक है, इतना एक ही पार्टी के साथ, कुछ ही पार्टीज के साथ में इतना ट्रांजैक्शन करना थोड़ा सा अजीब है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। टैक्स हेवेंस के साथ में इतने ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक तो इतने ट्रांजैक्शंस करना टैक्स हेवेंस के साथ करना, उसमें भी सब्सिडरी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो चीजें जनरली नहीं होती उसको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, एक तो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो भी किसके साथ है, सब्सिडरी के साथ है, एक तो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दैट टू विद सब्सिडरीज, तो क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल, नंबर वन, ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला देखना चाहिए, ओ भाई ये ट्रांजैक्शन अप्रूव थे ना, दोष चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट के लोगों को पता था ना कंपनी में ऐसी चीज चल रही है, हाँ पता था, चलो ठीक है भाई। फिर अग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट देखो, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, बिजनेस रैशनल क्या है, टैक्स सेविंग, बोले बहुत सारा टैक्स बच जाता है, दुबई और मॉरिशियस में टैक्स नहीं है तो टैक्स बच जाता है, ठीक है, इनके थ्रू भेजेंगे तो क्या कितना टैक्स लगता है, डायरेक्ट करेंगे तो कितना टैक्स लगता है, प्रूफ करके बता, ठीक है, वो प्रूफ करके बता। डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तू जो लॉजिक बोल रहा है टैक्स बचता है, टैक्स बचता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचते हैं, वो दिखना चाहिए, ठीक है, तूने बोला वहां से एक्सपोर्ट करने चाहिए, वो दिखना चाहिए, पता चला टैक्स सेविंग तो हो ही नहीं रही है, आप देखो कि इनके जो एक्सप्लेनेशन लोग बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है क्या, सही में टैक्स सेविंग हो रही है क्या, सही में दुबई और मॉरिशस से एक्सपोर्ट हो रहा है क्या, पता चला लोकल मार्केट में ही बेच रहे, बोलो ये जितने भी टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं वहां से आगे एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, सही में ऐसा हो रहा है कि डॉक्यूमेंट से, वो चेक करो, और नोट्स टू अकाउंट्स में इसको बराबर डिस्क्लोज किया गया ना, क्या लोगों को पता था, प्रॉपर परमिशंस ली गई, इसका लॉजिक क्या है, जो लॉजिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है ना, और क्या नोट्स टू अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं ना। ये देखो ये बहुत पुराने केसेस है, बहुत सिंपल सिंपल से केसेस है, फटाफट बता रहा हूं मैं, एक केस में ऐसा दिया हुआ है कि एक बंदा डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दो कंपनीज में, अगर एक बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दो कंपनी में तो वो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं, वो अगर आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे तो वो ट्रांजैक्ट रिलेटेड पार्टी को और ट्रांजैक्शन को नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है, लेकिन ऐसा पहले क्वार्टर में था, अगले क्वार्टर उस बंदे ने रिजाइन कर दिया, तो एक क्वार्टर के जो ट्रांजैक्शंस है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे, अगले क्वार्टर के ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे क्योंकि अब वो रिलेटेड पार्टी नहीं रहे, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट एकदम सही बोल रहा है, बिल्कुल सही है, तो पहले केस में मैनेजमेंट सही है,
मिस्टर डी वाले केस में मैनेजमेंट सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा केस है स्ट्रांग वाला, दूसरा केस है आपका स्ट्रांग लिमिटेड वाला। इसमें ऐसा बोल रहा है, होल्डिंग ने सब्सिडियरी को माल बेचा, बोले मेरी सब्सिडियरी है, मेरी जो मर्जी मैं करूंगा, और मैं उसको नॉर्मल प्राइस में बेच रहा हूं, मैं क्यों इसको बताऊं एज ए रिलेटेड पार्टी? भाई साहब, नॉर्मल प्राइस में हो या ना हो, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो मैनेजमेंट का बोल का बिल्कुल गलत है। आर्म्स लेंथ प्राइस में, नॉर्मल प्राइस में हो ना हो, सबको डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो पहले इसमें मैनेजमेंट सही है, दूसरे इसमें मैनेजमेंट गलत है, इतना लिखना था सिर्फ, ठीक है, ध्यान देंगे। गाइज आई नो कि ये फास्ट है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं इंटर का ऑडिट पढ़ाता हूँ रेगुलर बैच में, 120 घंटे, 120 आवर्स, 120 आवर्स में करवाता हूँ, 120 आवर्स में। फिर मैं फास्ट ट्रैक बैच पढ़ाता हूँ 60 आवर्स में, 60 आवर्स, आपके ऐप के ऊपर सब जगह हमारे कोर्स अवेलेबल भी है, 60 आवर्स में कराता हूँ। और अब मुझे पूरा वापस सब करवाना है, सारे हर चैप्टर में से क्वेश्चंस करवाना है, लगभग सारे चैप्टर में से, वो भी सिर्फ 15 घंटे में, 15 आवर्स में, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी फास्ट ओनली। अगर इससे ज्यादा का कोर्स हम लोग बनाएंगे तो बच्चे उसको रिविजन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, वो फिर से रेगुलर कोर्स ही बन जाएगा। तो आप पॉज करके, पढ़ करके, रिवाइज करके, जहां पर भी आपको लगे आप देख सकते हैं। सबसिक्वेंट इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स ऐसे 560 के हिसाब से, जितने भी इवेंट्स होते हैं साल खत्म होने के बाद में, ठीक है, साल खत्म होने के बाद, टिल द टाइम ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, उस के बीच के दौरान जितने इवेंट्स होते हैं उसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोलते हैं एज पर ऐसे 560, ठीक है। देखिए पहले साल खत्म होता है, पहले साल खत्म हुआ, पहले साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद में अप्रूवल हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए, उसके बाद में, ठीक है, साल खत्म हुआ पहले, फिर फाइनेंशियल अप्रूव हुए, फिर ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई, फिर मार्केट में पब्लिश होती है। AS4 के हिसाब से साइनिंग तक जितने इवेंट होते सब्सिक्वेंट, लेकिन SF560 और एक कदम आगे बढ़ता है। ऑल द इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं, जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी इवेंट्स, मतलब थिंग विच हैव फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इवेंट जितने भी होते हैं, टिल द डेट ऑफ साइनिंग, साइनिंग तक, टिल द डेट ऑफ साइनिंग, साइनिंग तक, उसको हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। कहानी खत्म नहीं होती। साइनिंग के बाद अगर हमको कुछ फैक्ट्स पता चलते, फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्लियर पीरियड, साइनिंग के बाद अगर हमको कुछ फैक्ट्स पता चलते, इफ वी कम टू नो फैक्ट्स, इफ वी कम टू नो फैक्ट्स, जो अगर हमको पहले पता चल जाते, जो हमको अगर पहले पता चल जाते, ठीक है, तो हम हमारा ओपिनियन ही बदल देते, उसको हम लोग फैक्ट्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्स। पहली की चीजें, अगर पहले की चीजें, पहले के पीरियड की चीजें, अगर मुझे बाद में बात चल रही है, जो अगर मुझे पहले ही पता चल जाती, पहले ही पता चल जाती, तो मैं मेरा ओपिनियन बदल देता, उसको फैक्ट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऐसे 560 में सब्सिक्वेंट इवेंट में दोनों चीजें आती है, इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर, इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, वो इवेंट्स है, उसके बाद में फैक्ट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद में फैक्ट्स आते हैं। फैक्ट्स अगर हमको पता चल, फैक्ट्स अगर हमको बाद में पता चलते हैं, फैक्ट्स अगर हमको बाद में पता चलते हैं, ठीक है, जो हमारा ओपिनियन ही बदल दे, उसको भी हम छानबीन करते हैं। लेट्स फ्रीज। एज पर एस एफ 560 सब्सिक्वेंट इवेंट में दो चीज आते हैं, इवेंट्स टिल द डेट ऑफ साइनिंग, साइन होने के बाद के इवेंट्स काम के नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जानकारी मिलती है, फैक्ट्स हमको पता चलते हैं, उसको भी सब्सिक्वेंट इवेंट के डेफिनेशन में कवर करते हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट के डेफिनेशन में दो चीजें कवर होती है, इवेंट्स एंड फैक्ट्स। ओके अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिटर की क्या ड्यूटी है,
ऑडिटर की क्या ड्यूटी है विथ रिस्पेक्ट टू इवेंट्स, सिर्फ इवेंट्स? ऑडिटर की क्या ड्यूटी है फॉर द इवेंट्स विच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट? इसके दौरान जो इवेंट्स होते हैं उसकी हमारी क्या ड्यूटी है वो हम लोग समझ रहे हैं। ऑडिटर की ड्यूटी है जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है साल खत्म होने के बाद टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, और देखना कि मैनेजमेंट ने बराबर एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है ना और उसकी अकाउंटिंग एंट्री बराबर पास की है ना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। ये काम अगर हम पहले ही कर चुके हैं कुछ कुछ एरियाज में, जैसे डेटर्स में हम सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करते हैं, डेटर्स में हम लोग सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करते हैं, अगर हम लोग सब्सिक्वेंट कलेक्शन डेटर में हम लोग सब्सिक्वेंट कलेक्शन पहले ही चेक कर चुके हैं, ठीक है, तो वापस यहां पे करने की जरूरत नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी डिपेंड कितनी रिस्क है कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ठीक है, डन। करना क्या पड़ेगा इसमें, आसान है, पहले सीएफओ के पास जाओ, उनसे पूछो आपका क्या तरीका है, पहले सीएफओ के पास जाओ, गो टू सीएफओ, ठीक है, सीएफओ के पास जाओ और उसको पूछो आपका क्या तरीका है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को, आपका क्या तरीका है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को स्टडी करने का, आइडेंटिफाई करने का, एडजस्टिंग इवेंट्स निकाल के अकाउंटिंग एंट्री करवाने का क्या तरीका है? बोले हमारे हमारे दो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, हिमेश और निमेश दो चार्ट अकाउंटेंट है, साल खत्म होने के बाद दोनों इंडिपेंडेंटली बैठकर चेकलिस्ट भरते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स की। हिमेश और निमेश दोनों चेकलिस्ट और प्रपोज्ड अकाउंटिंग एंट्री लेके मेरे पास आते हैं, मैं तय करता हूँ कि क्या होगा और मैं एंट्री पास करता हूँ हर हफ्ते। क्या सिस्टम है, दिल खुश कर लिया। बताइए वो अभी 8 हफ्ते बीत चुके हैं तो 8 हफ्तों के 8 चेकलिस्ट और आपकी 8 हफ्तों की अकाउंटिंग एंट्रीज बताइए। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया। फिर मैनेजमेंट से आपका सिस्टम समझ लिया, अब इंक्वायरी करेंगे। देखिए कुछ फेमस एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, कुछ फेमस एडजस्टिंग इवेंट्स है, ठीक है, आप मुझे बताइए कि वो फेमस एडजस्टिंग इवेंट आपके कंपनी में हुए क्या, लिस्ट पूछेंगे उनको, वो बताएगा। बोले अब आपका सिस्टम समझ लिया, आपसे पूछताछ कर ली, अब हम खुद कुछ करना चाहते हैं। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के मिनट्स पढ़ने आते हैं, वो मीटिंग्स जो साल खत्म होने के बाद हुई, क्योंकि वो मीटिंग्स में कुछ बातें डिस्कस हो सकती है, कुछ डिसीजंस पास हो सकते हैं जो एडजस्टिंग नेचर के हो, इसलिए वो मिनट्स हम पढ़ना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर हम साल खत्म होने के बाद आपके जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम लोग देखना चाहते हैं। क्यों ये देखना चाहते, कोई बड़ी चीज अगले गलती से इस साल के जगह अगले साल में तो नहीं चली गई, करेक्ट? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान, कि बोले पहले आपका सिस्टम समझ लिया, आपसे पूछताछ किया, हम भी तो खुद करें। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, ठीक है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट मैं आपके बोर्ड मिनट्स देखना चाहता हूं, उससे छोटा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे छोटा आपके कुछ बजट्स होंगे, क्यों देखना चाहता हूं, बजट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फोरकास्टेड लेटेस्ट बजट कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहता हूं। भाई गोइंग कंसर्न खतरे में तो नहीं है उसके लिए, ठीक है, और मैं आपके लिटिगेशंस और क्लेम्स भी देखना चाहता हूँ, लिटिगेशंस और क्लेम का सिचुएशन बराबर है ना, कि भाई कोई लिटिगेशन और क्लेम्स का अगर रिजल्ट आया होगा, लिटिगेशंस और क्लेम का कुछ रिजल्ट आया होगा तो वो भी मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि उससे भी एडजस्टिंग इवेंट निकल के आते हैं। तो पहले आपका सिस्टम समझा, आपसे इंक्वायरी की, अब लाइन से 4 चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड मिनट,
उससे कम इंपॉर्टेंट लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट कोई बजट और फोरकास्ट है क्या गोइंग कंसर्न के लिए, उससे कम इंपॉर्टेंट लिटिगेशन का आउटकम क्या है, ठीक है। इन सबसे हमको पता चलेगा कि एडजस्टिंग इवेंट्स की अकाउंटिंग एंट्री बराबर हुई है कि नहीं। अब सुनिए, यहां पे इंक्वायरी इंक्वायरी है, इंक्वायरी के बारे में लिखा हुआ है, इसके लिए अगर क्वेश्चन बहुत ये एक्स्ट्रा ट्रीट करिए, एक्सप्लेन ओनली इफ आस्ट, अगर पूछे तो, और इसके लिए सी 550.05 जो है वो देखना है। तो सबसीक्वेंट इवेंट्स की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, मेहनत करेंगे, अच्छा हम सब एविडेंस हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। पहले ये तो ठीक है, डिपेंड करता है कितनी मेहनत करना। ऑडिट प्रोसेस क्या परफॉर्म करेंगे वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर ऐसा दिखा कि यार इन्होंने तो एडजस्टिंग इवेंट्स की बराबर अकाउंटिंग एंट्री की, तो बहुत बढ़िया। अगर एडजस्टिंग इवेंट्स की बराबर अकाउंटिंग एंट्री नहीं की है तो हम मॉडिफाई करवाएंगे, ठीक है। और आखिरी में हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन लोगों से। तो पहले हमारी ड्यूटी समझाना है, फिर हमारी ऑडिट प्रोसीजर समझाना है, अगर फिर समझाना है बराबर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मॉडिफाई कर देंगे, आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है, करेक्ट। मैं जानता हूं लंबा चौड़ा आंसर है, लंबा चौड़ा आंसर है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर है, ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट है, और ये जो, ठीक है, इंक्वायरी के पॉइंट्स है वो मैं कट कर रहा हूं। अगर पूछते हैं तो ही बताइए, और अगले आंसर में देखो, प्रैक्टिस पैनल में उन्होंने इतना बड़ा आंसर ही छापा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जाम में इतना ही लिखोगे तो काफी है। इंक्वायरी करिए, ठीक है, इंक्वायरी क्या करना सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ठीक है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो इंटरनेशनल जो IFRS है उसके ऊपर बेस्ड है। तो IFRS के हिसाब से सबसीक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं उसकी लिस्ट यहां पे दी हुई है। IFRS के हिसाब से सबसीक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, कौन सी चीजों को, ठीक है, या तो अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ती है तो नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है, IFRS के हिसाब से उसकी लिस्ट दी है। बस ये लिस्ट के बारे में पूछताछ इंक्वायरी हमको करनी है। तो देखिए, IFRS तो हमारे कोर्स में है नहीं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। मैं याद रखने का तरीका बताऊंगा, सिंपल सी बात है, याद रखना, अगर क्वेश्चन आया तो लिखना है। क्या करेंगे, मिसमैच है, ये जो लिस्ट है ये IFRS के हिसाब से सबसीक्वेंट इवेंट्स है, लेकिन IFRS तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, ठीक है, इंड एस तो हमारे कोर्स में है ही नहीं इंटर में। तो मैंने क्या किया, तीन चीजें एसेट से रिलेटेड है, ठीक है, चार चीजें कैपिटल और लाइब्रेरी से रिलेटेड है, दो चीजें कॉमन है, बस इस चीज की इंक्वायरी करनी है, ऐसा हमको मानकर चलना है, ऐसा हमको लेकर चलना है, ठीक है। देखिए, तीन एसेट के बारे में क्या बात लिखी हुई है, एसेट्स के बारे में, कि क्या साल खत्म होने के बाद में हमने कोई भी एसेट को, बहुत बड़े एसेट को बेचा है, या बेचने का प्लान बनाया है, या हमने कोई खरीदा है, ठीक है, तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देना चाहिए एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स,
क्या साल खत्म होने के बाद में कोई बहुत बड़ा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, उसको ही बताना चाहिए। कोई फिक्स एसेट बेच दिया, प्लान किया बेचने, खरीदने वाले हैं वो बता दो। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय हो गया, गवर्नमेंट ने ले लिया वो बता दो, कि कोई ऐसी चीज हुई है जिससे एसेट्स की वैल्यू पे असर पड़ गया। कुछ प्रोडक्ट्स बैन हो गए तो अब वो प्लांट की कोई वैल्यू नहीं बची। जो प्रोडक्ट बैन हो गए तो वो प्रोडक्ट बनाने वाले जो प्लांट है उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, वो भी बता दो। खरीदना बेचना हुआ है क्या, डिस्ट्रॉय हुआ क्या, गवर्नमेंट लेके चला गया, या फिर वैल्यू में वैल्यू रिकवरेबल अब नहीं है, वैल्यू खत्म हो गई, ऐसा कुछ है बता दीजिए। लाइब्रेरी साइड में कोई आपने नया शेयर कैपिटल, आपने कोई नया शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू किए, बायबैक कम इंक्रीज किए डिक्रीज किए, डेट आपने डिबेंचर्स इशू किए, डिक्री इंक्रीज किए डिक्रीज किए, शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज किया क्या, डिबेंचर इंक्रीज डिक्रीज किया क्या, आपने कोई नए बोरोइंग्स ली क्या, नई गारंटीज दी है क्या आपने, ठीक है, नई गारंटीज दी है, तो शेयर कैपिटल के बारे में पॉइंट है, डिबेंचर्स के बारे में पॉइंट है, लाइबिलिटीज के बारे में पॉइंट है। फिर आपने आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, आपकी जो कॉन्टिंजेंसीज है जिसका आपने प्रोविजन बनाया, उसको लेकर कोई चेंज है क्या? प्रोविजन्स को कंप्यूट करने का तरीका बदला है था, कोई फॉर्मूला आपने चेंज किया क्या, तरीका आपने चेंज किया क्या प्रोविजन कंप्यूट करने का? ठीक है, जैसे लिटिगेशन, पहले आप प्रोविजन बना रहे थे पिछले साल के हिसाब से, आप प्रोविजन बना रहे हो लॉयर के हिसाब से, आपने कोई तरीका चेंज किया क्या? कॉन्टिन लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंसी को लेकर कोई चेंज है क्या? तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है, डिबेंचर से रिलेटेड पॉइंट है, लोन से रिलेटेड पॉइंट है, प्रोविजन से रिलेटेड पॉइंट है, कॉन्टिंजेंसी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है। फिर आखिरी में, आखिरी के दो, अनयूजुअल कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स है क्या? मतलब बहुत हेवी सेल्स रिटर्न्स, बहुत हेवी सेल्स, अनयूजुअल कोई एडजस्टमेंट्स है क्या? ठीक है, अनयूजुअल एडजस्टमेंट, हेवी सेल्स रिटर्न होना अनयूजुअल है, साल खत्म होने के बाद में इतने रिटर्न्स कैसे, क्यों है, कई फेक सेल्स तो नहीं है, वो भी एज पर IFRS वो भी बताना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। कोई ऐसी चीज हुई है कि विच क्वेश्चंस अकाउंटिंग पॉलिसीज, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे, उठा के बेच डाले कंपनी ने, अरे ऐसे कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तो आपकी पॉलिसी को ही चैलेंज कर रहा है आपका एक्शन। क्या कोई अनयूजुअल एडजस्टमेंट्स है जो बता रहे, कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन इवेंट्स है जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज कर रहा है कंपनी उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है, वो चीजें बताओ। ये सब इंक्वायरी करने वाली चीज है, ये इंक्वायरी हमको करनी पड़ती है, दीज आर दी इंक्वायरीज। 3 पॉइंट एसेट के, एसेट साइड के, 4 पॉइंट लाइबिलिटी साइड के, और 2 पॉइंट्स, ठीक है, आपके 2 पॉइंट है आपके कॉमन पॉइंट्स हैं। हम लोग अभी 11:45 तक हम लोग करेंगे, जितने हमारे एसेस होते हैं एसेस करेंगे। अगले सेशन में हम लोग कंपनी ऑडिट और कारों पे ध्यान देंगे, टाइम बचा तो रिमेनिंग एसेस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। नाउ 570 में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोइंग कंसर्न, 570 में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग कंसर्न का जो एसे है उसके अंदर ऑडिटर के लिए क्या टारगेट्स रखे हुए हैं। आंसर जो प्रिंटेड है गलती से 580 का है, गलती से किसका है साहब, 580 का, 580 का आंसर, चिंता मत की, ये इंस्टीट्यूट ने गलती की है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलती है, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट्स में अगर हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट नंबर के साथ दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, बहुत आसान है, क्या टारगेट्स है गोइंग कंसर्न को लेकर, बहुत सिंपल सिंपल से टारगेट है। पहले ऑडिटर का टारगेट है कंपनी में जाना और जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और देखना क्या कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो हमारे दिमाग में सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते, डाउट लाते हमारे मन में रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, विच में क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट, अबाउट गोइंग कंसर्न नंबर 1, ठीक है। अगर ऐसे मिलेंगे तो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके पता लगाना क्या सही में गोइंग कंसर्न पे ऊपर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या।
स्टेप नंबर वन देखना जाके क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे मन में डाउट क्रिएट करे विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। प्रॉफिट्स गिरते जाना, लॉसेस में जाना, पैसे खत्म होते जाना, डिफॉल्ट होते जाना, ये इंडिकेटर्स है डाउट और गोइंग कंसर्न। सही में क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है? सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंपनी के बंद होने के चांसेस है, ऐसा कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या? ये देखो हम लोग, ठीक है, और पता लगाओ कि गोइंग कंसर्न बराबर है कि गोइंग कंसर्न आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए। फिर देखो मैनेजमेंट क्या कर रहा है। मैनेजमेंट का जो अजम्पशन, मैनेजमेंट जो अजम्पशन ये सब होने, मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, वो देखो, कंक्लूजन बनाओ गोइंग कंसर्न को लेकर। देखो कि मैनेजमेंट जो असेसमेंट जो यूज कर रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट जो अजम्पशन यूज कर रहा है गोइंग कंसर्न वैलिड है कि जो भी वैलिड है कि इनवैलिड है, वो असेसमेंट मैनेजमेंट का सही लग रहा है क्या? और आखिरी में जाके रिपोर्ट करो, ये टारगेट्स है, दीज आर अवर टारगेट्स, ये हमारे टारगेट्स है, ये हमारे टारगेट्स है गोइंग कंसर्न को लेकर, दीज आर टारगेट्स। पहले जाके देखो डाउट है क्या, डाउट है तो मेहनत करके देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करो गोइंग कंसर्न के बारे में कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और क्या मैनेजमेंट सही अजम्पशन यूज कर रहा है, और फिर आखिरी में रिपोर्टिंग करो। ठीक है, सबसे फेमस क्वेश्चन, बार बार लगातार, बार बार लगातार, ठीक है, सबसे फेमस क्वेश्चन ये पूछा गया है, इट हैज बीन आस्ड अगेन अगेन, ऐसी कौन सी चीजें हैं विच क्रिएट डाउट, ऐसी कौन सी चीजें हैं विच क्रिएट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न, डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न को लेकर। ठीक है, लेट्स सी, तीन तरह के इंडिकेटर हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स याद रखने के लिए मैंने, इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस, सेल्स कंटिन्यूअसली कम होते जाना, ठीक है, खर्चे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना, प्रॉफिट्स कम होते जाना, लॉसेस में चलाना, पहले सेल्स कम हुए फिर खर्चे आपके बढ़ते गए, प्रॉफिट्स कम होके लॉसेस में चले गए, लॉसेस के बाद फिर कैश फ्लोज आपकी निगेटिव हो गई, ठीक है, आपके जो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट के बैलेंस कम हो गए, आप इन्वेस्टर्स को इंटर इंटर आप डिविडेंड पे नहीं, आप लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे हो, ये सब फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, ठीक है, चीजें पे नहीं कर पा रहे हो, सारे रेशियोज खराब हो गए, दीज आर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, इसको याद रखना, इन सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस। फिर बोरोइंग रेट, एग्जिस्टिंग जो लोन है उसको आप उसके टर्म्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, आप प्रिंसिपल रीपे नहीं कर पा रहे हो, और आप एसेट पोजीशन आप चीजों को आप, ठीक है, आप रीपेमेंट, आप प्रिंसिपल रिपे नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, आप सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, एसेट्स एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप एग्जिस्टिंग जो बोरिंग है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, आप उसकी पहले आपने जो बोरिंग, आपने जो पैसा लिया था, ठीक है, आप बोरिंग उसको आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, अब जो बोरिंग आपने पैसा लिया था उसका रीपेमेंट का टाइम आ रहा है, रीपेमेंट का टाइम आ रहा है, बहुत सारे पैसे देने हैं, रीपेमेंट का टाइम आ रहा है, बहुत सारे पैसे देने, कहां से पैसे आएंगे आपको पता नहीं है, कहां से पे करेंगे आपको पता नहीं, एग्जिस्टिंग बोरिंग के टर्म्स आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, रीपेमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे पता नहीं है, मार्केट में कोई आपको नया बोरिंग देने को तैयार नहीं है, एक रुपया देने को तैयार नहीं है, एक रुपया आपको देने को तैयार नहीं है, नॉट अ सिंगल रुपी पीपल वॉन्ट टू गिव टू यू, ये बोरोइंग रिलेटेड पॉइंट्स है आपके। ठीक है, फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर ने बोला है और समय नहीं देंगे आपको, 4 महीने दे दिए, 4 महीने दे दिए, 5 महीने दे दिए, और नहीं, और नहीं, और समय आप लोगों को नहीं देंगे, ठीक है, और समय देने को तैयार नहीं है, और समय देने को तैयार नहीं है लोग, करेक्ट, और सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम देख रहे हैं वहां पे इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम पे नहीं, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स को पे नहीं कर, डिले डिले है, और समय देने को तैयार नहीं है, अब तो टर्म्स चेंज कर दिए, उधारी बंद, कैश में शुरू करो,
ये सब फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस, बोरोइंग रिलेटेड, क्रेडिटर रिलेटेड, फिर ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग मैटर्स। इमेजिन करो सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट आता है, टॉप मैनेजमेंट ने सोच लिया बिजनेस बंद करने के बारे में, ऑपरेटिंग इंडिकेटर गड़बड़ है कुछ, बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहे लोग, टॉप मैनेजमेंट छोड़ के चला गया है, अरे कौन संभाले कंपनी को, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। फिर रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल का सप्लाई नहीं है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। प्रोडक्शन में हमारे पास में एम्प्लॉय नहीं है, स्ट्राइक पे चले गए, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। सेल लाइसेंस कैंसिल हो गया, ऑपरेटिंग इंडिकेटर। मार्केट में जबरदस्त कॉम्पिटिटर आ गया, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। ये सब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स बताते हैं। अदर प्रॉब्लम्स, नेचुरल कैलामिटीज आ गई है, अदर प्रॉब्लम्स, कोरोना वायरस आ गया है, कोरोना वायरस आ गया है, अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर लॉ रिलेटेड, लॉ हम लोग कंप्लाई नहीं कर रहे, बैंक वाले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे, मिनिमम 9% मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, लॉ रिलेटेड पॉइंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई है, हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, करेक्ट। बहुत बार लीगल केस हम हारने वाले हैं, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऑल दीज आर इंडिकेटर्स। छानबीन करनी पड़ती है, सही में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है क्या, क्या इससे बच सकते हैं क्या। एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर्स है, तो ये इंडिकेटर्स है, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो गोइंग कंसर्न को विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। चलिए हम लोग फटाफट, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग 580 कर लेंगे, 580 हम लोग कर लेंगे, 580 के बाद में 600 के अंदर, ठीक है, 600 के अंदर एक है तो 500 सीरीज भी हो जाएगी, 600 सीरीज भी। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए बैठे हैं साहब, वी आर हियर टू डू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बैच ही हम लोगों ने इस तरीके से प्लान की, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 580.03, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट आर द टारगेट्स, व्हाट आर द टारगेट्स, क्या टारगेट्स है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एज पर एसए 580, क्या इसके टारगेट है। नंबर वन टारगेट है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि हर साल मैनेजमेंट से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना और उसमें लिखवा कर लेना कि मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियों को अपनी जो जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसके लिए सिस्टम बनाना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर किया है, उसके सारी इंफॉर्मेशन रेडी करना बराबर किया है, हमारे साथ पूरी शेयरिंग करना बराबर किया है, मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियों को बराबर निभाया है, ठीक है, बराबर निभाया है, ये इसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना हर साल कंपलसरी है। दूसरा, जहां पर भी ओरल एक्सप्लेनेशन है और ऐसा लग रहा है कि सबूत थोड़े, ठीक है, ओरल एक्सप्लेनेशन है और जहां ऐसा लग रहा है, ठीक है, और हमको अश्योरेंस की जरूरत है, सारे सबूत मिलने के बाद में भी और हमको अश्योरेंस की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे लिख कर दे पेज पे, सारे लिटिगेशंस कंप्लीट है, कुछ भी छूटा नहीं, लिख कर दे, सारे एस्टीमेट सही है, लिख कर दे, गोइंग कंसर्न बराबर है, लिख कर दे, जहां पर हमको ऐसा लगता है सारे सबूतों के बाद में भी और अश्योरेंस की जरूरत है और कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और अगर वो नहीं दे तो हमने क्या करना चाहिए। तो ऐसे 580 के हिसाब से ऑडिटर का टारगेट है, पहला टारगेट है जाके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना कि मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियों को बराबर निभाया, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जहां जहां पर सारे सबूत मिलने के बाद में भी हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, वो कॉन्फिडेंस हमको मिले, ठीक है, और तीसरा, अगर नहीं देते तो हमने उनसे बराबर डील करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, नहीं समझ रहे तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या विड्रॉ भी कर सकते,
ये तीन चीजें, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 580। एक बंदा जाता है और फाइनेंशियल आइटम्स के लिए, एक बंदा जाता है और बहुत सारे फाइनेंशियल आइटम्स के लिए सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे लेता है, चलेगा क्या? नहीं। सुनिए ठीक है, तो चलने वाला नहीं है। नंबरिंग थोड़ी से चेंज कर रहा हूं मैं, लिसन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ प्राइमरी एविडेंस, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट सफिशियंट अप्रोप्रिएट, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, वो अपने आप में सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने से आपकी कोई भी ऑडिट प्रोसीजर और कोई भी ऑडिट एविडेंस आप कम नहीं करते हो, इट इज अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। सारी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद, सारे सबूतों को लेने के बाद, वो सपोर्ट करता है, इट कैनॉट रिड्यूस एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ऐसा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एकदम आखिरी में लेना है। सारे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर लो, सारे एविडेंस आप ऑप्टेन कर लो, उसके बाद में भी अगर आपको और अश्योर, आपको ऐसा लग रहा है और अश्योरेंस की थोड़ी जरूरत है, तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। इट इज अ लास्ट रिसोर्ट, वो लास्ट रिसोर्ट है। इट कैनॉट सब्स्टिट्यूट एनी ऑडिट प्रोसीजर और एनी ऑडिट एविडेंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सफिशियंट अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता एनी ऑडिट प्रोसीजर, एनी ऑडिट एविडेंस। इट इज अ लास्ट रिसोर्ट। हाँ, नेसेसरी है, लेना मैंडेटरी है एज पर एस 580, लेना मैंडेटरी है, लेकिन बात को समझिए, रेगुलर ऑडिट प्रोसीजर कम नहीं कर सकता। अगर कोई बोलेगा कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के जगह रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, नहीं चलेगा। कोई कैलकुलेशन करने के बदले में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, नहीं चलेगा। इंस्पेक्शन के बदले में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, नहीं चलेगा। मिसयूज मत करिए, तो बहुत सिंपल है, इसका मिसयूज मत करिए। ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं होता, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, नेसरी है, मिसयूज इसका मत करिए। सब कुछ करने के बाद आखिरी में इसको लीजिए। ठीक है, नाउ ₹610 में इंटरनल ऑडिट मतलब क्या? 610 में हम लोग पढ़ रहे इंटरनल ऑडिट मतलब, 610 हमको बताता है कि इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करें या ना करें। इंटरनल ऑडिटर हमको बताता है कि क्या हम लोगों ने इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमको बताता है कौन? ये हमको 610 बताता है। ठीक है, अब बताने के पहले वो हमको बताता है व्हाट डू मीन बाय इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर क्या काम करते हैं। तो हमारा 700 सीरीज बाकी है, देखते हैं शाम को जो हमारा सेशन होगा, अगला सेशन, उसमें कंपनी ऑडिटर कारो करेंगे और समय बचेगा तो 700 सीरीज, तो जो 700 सीरीज है वो 700 सीरीज भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, एक सिंपल से एग्जांपल, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है, किस रेंज की एक्टिविटी एक इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है, व्हाट आर द रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह 10 बजे जाके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लोगों से मिलता है और उनको बोलते हैं, माननीय महोदय बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कंपनी को अच्छे से गवर्न करने में, कंपनी को अच्छे से चलाने में।
मैं आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करूंगा, आपके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में मदद करूंगा, फिर सेल्स को इंप्रूव करने में मदद करूंगा, आपका परफॉर्मेंस प्रॉफिट को इंप्रूव करने में मैं आपकी मदद करूंगा। आपके लोग एथिकली काम करें, एथिकल वैल्यूज समझाने में, उसके इंप्लीमेंटेशन में मैं आपकी मदद करूंगा। आपकी कंपनी के लोगों से अच्छे से जुड़े, आपके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो, उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाऊंगा, एथिकल करवाऊंगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करूंगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करूंगा। तो इंटरनल ऑडिटर हेल्प्स दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट पीपल, ठीक है, ये तीन तरीके से हेल्प करता है, थ्योरी में दिया हुआ है। फिर जाके 2 घंटे उनसे मिलता है, 10 से 12, 10 से 12 मिलता है। देखो याद करने का तरीका, 10 से 12, फिर 12 से 2, 12 से 2 गोडाउन में जाके खड़ा हो जाता है और देखता है गोडाउन में क्या क्या गलत हो सकता है। हो सकता है नकली गुड्स आए, इलीगल गुड्स आए, डैमेज गुड्स आए, डिफेक्टिव गुड्स आए, हो सकता है गुड्स यहाँ पे डैमेज हो जाए, यहाँ पे ऑब्सोलीट हो जाए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चोरी हो जाए, स्टोलन, ठीक है। देखता है कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है डिपार्टमेंट में, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क, कितनी अलग अलग तरह की रिस्क है, कौन सी बड़ी रिस्क है, कौन सी छोटी रिस्क है। बोले चोरी होने की रिस्क कम है, 100-100 किलो का एक है, बोले चोरी नहीं हो सकते, हाँ डिफेक्टिव आइटम आ सकते, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता, बोले डिफेक्टिव आइटम बहुत नुकसान होता, बोले उल्टा इसको यहां से ट्रांसपोर्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा पैसे लग जाते, बोले बहुत खर्चा होता है। तो डिफेक्टिव की रिस्क ज्यादा बड़ी रिस्क है एज कंपेयर टू अदर्स, इसलिए जब आइटम आता है तो अच्छे से चेक करना चाहिए। तो बोले क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है 12 से 2। तो पहले हेल्प्स टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट इन गवर्नेंस, फिर रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी अपनी रिस्क को अच्छे से मैनेज करे उसमें भी हेल्प करता है इंटरनल ऑडिटर, फिर दो से चार, ठीक है, लंच ब्रेक लेता है, लंच ब्रेक लेता है, और उसके बाद में 2 से 3, 3 से 6, 3 घंटे बिताता है, ठीक है। अब गोडाउन में पहुंच ही गया था, रिकॉर्ड्स देखता है, अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग तो नहीं है, लेवल्स देखता है, लेवल्स देखता है और रिव्यू करता है, लेवल्स देखता है, लेवल्स देखता है और रिव्यू करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चल रही है ना, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होना चाहिए, दोनों खराब होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बराबर चल रही है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है ना, गुड्स गुड्स बराबर अनलोडिंग होते हैं ना, उसकी बराबर काउंटिंग होती है ना, उसका बराबर क्वालिटी चेक होता है ना, ठीक है, दूसरा बंदा फिर बराबर उसका GRN बनाता है ना, फिर उसके बाद में बराबर स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होती है ना, ठीक है, ये पूरा काम बराबर चल रहा है ना, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। वहां बैठ के पहले रिकॉर्ड्स देखता है, अंडर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस देखता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को कहां बेहतर कर सकते देखता है, लॉ कंप्लायंस है ना, आते वक्त GST बराबर, GST का इनपुट बराबर लिया ना, जाते वक्त बराबर GST का आउटपुट, GST का आउटपुट बराबर देखते हैं ना, और क्या वीकली वीकली मंथली क्वार्टरली ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, परचेस रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल क्वांटिटी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ परचेस, वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बराबर बन रही है ना, वीकली वीकली मंथली क्वार्टरली सही बन रही है ना, MIS बराबर बन रहा है ना, उसमें भी हेल्प करता है। तो सिस्टम्स के अंदर ऑपरेशंस बराबर चल रहे हैं ना, सिस्टम्स कहाँ पे ठीक कर सकते हैं, लॉ कंप्लायंस बराबर चल रहा है ना, और ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बराबर चल रही है ना, चार चीजें आती है इससे, ठीक है, चार चीजें आती है। इसलिए ठीक है, आप ज्यादा समय दिया यहाँ पे, आप 7 घंटे, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, दिस इज द स्कोप। अगर मैनेजमेंट मैनेजमेंट और ऑडिटर मिलके तय करते हैं कि कितना काम होना चाहिए, दिस इज द स्कोप, दिस इज द रेंज ऑफ एक्टिविटीज, दिस इज द रेंज ऑफ एक्टिविटीज, ये रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, करेक्ट, ये रेंज ऑफ एक्टिविटीज है जो एक इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। 610 में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर था, ठीक है। 700 सीरीज अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, शाम को हम लोग कंपनी ऑडिट और कारो देखेंगे, ठीक है, और उसमें समय बचा तो 700 सीरीज को देखेंगे, समय बचा तो,